जैसे जो बोल्ड इंडस्ट्री है और एक रेगुलर इंडस्ट्री है ना, इसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? और आपके हिसाब से बोल्ड इंडस्ट्री क्या वाकई इतनी गलत है जितनी लोग बोलते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि हमेशा एक चीज होता है कि लोग बोलते कुछ और है, सुनते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी क्या है कि मेरे कान में आया कि अच्छा हाँ, वो इंडस्ट्री में वहां पे इतना पेमेंट मिल रहा है, ठीक है वहां जाते हैं। वहां ये चीज मायने नहीं रखता भाई, मायने ये रखता है कि आप एक्टर कैसे हो। आप अगर परफेक्ट एक्टर हो, अभी तो बहुत सारे लड़के हैं जो बोल्ड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बहुत लड़कियां आना चाहती हैं, क्यों नहीं आ पाती? रीजन है ना कि भाई एक्टिंग परफॉर्मेंस भी मायने रखता है। करेक्ट, ठीक है। या तो अभी क्या है, कुछ एक्ट्रेस का रहता है कि लिंक मजबूत कर लेते हैं, उनका पहचान वैसा रहता है, हाँ। तो उसके थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिंग बहुत मायने रखता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। देखो बॉयज या गर्ल्स, आपकी सीरीज है इतनी मैम, मेरी भी है, लोग देखते हैं, तो उसमें क्या है कि लोग सिर्फ मसाले नहीं देखते, उन्हें बातें भी देखते हैं भाई। जो एक्टिंग हम लोग करते हैं, जो बोलते हैं हम लोग सामने वाले को, या कैमरे पे हम बोल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो लोगों का ये नहीं सोचना है कि मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब है, बॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब यहाँ गलत ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़े बड़े स्टार करते हैं, अगर मेरे तरफ से अगर माना जाए, मैं अगर मानता हूँ भाई, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को लोग गलत बोलते हैं तो सबसे बड़े इंडस्ट्री गलत कौन जानते हो? बॉलीवुड। रीजन कैसे कि भाई सनी लियोन कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा? तो अब वो उतनी बड़ी स्टार, आप समझ गए हूँ, अब वहां से वो बॉलीवुड में आई, बॉलीवुड में काम कर रही है बंदी, तो बॉलीवुड वाले कैसे, लोग कैसे कहते हैं कि बोल्ड में काम करने के बाद बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा? भाई वो कहाँ के काम करने वाले, फिर वो यहाँ के कर रहे हैं। तो मतलब बोल्ड इंडस्ट्री गलत किधर से नहीं है, बस लोगों का सोच ऐसा है, लोगों को कान में भर दिया गया कि बोल्ड में खराब होता है, देखो ये किसिंग हो रहा है। भाई बड़े बड़े स्टार करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, ठीक है, बस तरीका अलग होता है कि वो लेवल अलग है, ये लेवल अलग है, बस लेवल का डिफरेंट हो जाता है कि वो दूसरे लेवल से कर लेते हैं और दिखाते कुछ और है। चीजें वही है, वहां भी बिकनी में और पैंटी दिखता है और यहाँ भी वही दिखता है, सिर्फ लेवल में डिफरेंट है कि वो कहाँ 5 करोड़ लगा के बनाएंगे, कहाँ ये 1 करोड़ लगा के बनाएंगे, तो वो चीज बस ये क्वालिटी दिखती है, बाकी कुछ नहीं है। जो वो है वो यही है, ये गलत है तो मतलब वो भी गलत है, सीधी सी बात। अच्छा, आप जैसे इतने मेल एक्टर्स के साथ आपने काम किया, आपको कौन सा मेल एक्टर एकदम ही एक आंख नहीं सुहाता कि यार ये होने नहीं चाहिए, और कौन से मेल एक्टर है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके साथ आप अपनी कंपैटिबिलिटी, जो आपको बहुत दोस्तों जैसा फील देते हैं, ऐसे कौन से मेल एक्टर्स हैं? मेल एक्टर में सच्चाई बताता हूँ तो गौरव है, जो बिल्कुल पसंद नहीं आपको, मेरा सबसे क्लोज है यार, वो मुझे हर चीज सिखाता है, कभी भी कोई किधर रिक्वायरमेंट आता है तो मुझे भेजता है। और सोहेल है, सोहेल सॉ, सोहेल बहुत अच्छा, वो ये दो हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हमेशा मुझे कुछ भी रहता तो कॉल करते हैं। वो अभी मैंने आपको बताया था वाव का, जहाँ मैं गया था वो आंटी के साथ हुआ सीन, वहाँ पे क्या है कि मुझे सोहेल ने काम दिया था। ओके। वहाँ पे रिक्वायरमेंट आई थी कम एज के लड़के, उसने तुरंत मुझे कॉल किया, छोटू एक काम कर, अपना प्रोफाइल भेज दे, फटाक से एक नंबर भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा। तो ऐसे है, गौरव का भी सेम कंडीशन है, कुछ रहता है तो बताता है, और मेरा मेरे पास भी कुछ रहता है मैं बताऊँ, भाई ऐसा है, भाई वैसा है, मतलब एक सपोर्ट। हाँ, हम लोग जब सीरीज साथ में शूट करते हैं, सोहेल के साथ तो मेरा नहीं हुआ है शूट, बट गौरव के साथ मैंने काफी वेब सीरीज की है, एज अ फ्रेंड का कैरेक्टर हम दोनों तो का। गौरव सेट पे कैसा होता है, बहुत लड़कीबाज है या सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है? जब सेट पे आया तो कोई भी मेल एक्टर फीमेल एक्टर से जब तक खुल के बात नहीं करेगा तो एक आपस में एक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए कोई भी मेल या फीमेल एक्टर एक दूसरे से बात करते हैं, और ये करना अच्छी बात है, मैं भी यही करता हूँ, हर एक्टर यही करते हैं, तो वो चीज